नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। आपके साथ मैं हूं नितिशा। लंबे समय से अटके हुए लक्सर देहरादून रेलवे लाइन की डबलिंग तो शुरू हो गई, लेकिन हरिद्वार से कई गाड़ियां रद्द हो जाने के बाद यात्रियों के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। रेलवे अधिकारियों के माने तो देहरादून लक्सर के बीच चलने वाली करीब 70% गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्री इससे खासे नाराज है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए यात्रियों का कहना है कि उन्होंने काफी समय पहले से रिजर्वेशन करा रखा था, लेकिन अचानक से ट्रेनों के रद्द हो जाने से उनका वापस पहुंचना मुश्किल हो गया है और खर्च भी कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली हमको जाना है, दिक्कत हो रहा है, सारा गाड़ी रद्द है, क्या करेगा आदमी। मैंने बैठ करके यहाँ पर मर रहा है भूख से प्यास से, गरीब आदमी सब है, सब आया है गंगा स्नान करने के लिए, उसके बाद घर जाता, नहीं हो रहा है, सारी गाड़ी रद्द है, बहुत भारी दिक्कत आ रहा है। नहीं, ये तो अभी सूचना लगाया है जो मैं सारी गाड़ी रद्द है दिल्ली का। अब देखता हूँ कोई तो साधन करूँगा, बस से जाऊँगा या कोई चीज़ से जाऊँगा। दिल्ली इस रूट की लक्सर से हरिद्वार के बीच की लगभग और देहरादून की 70-60% गाड़ियां कैंसिल की गई हैं। कुंभ मेले के पहले लक्सर से हरिद्वार तक डबल लाइन का काम होना है, इस उद्देश्य से तो काम मेन ये होने हैं। अभी पहले ये जो अभी 22 तक गाड़ियां कैंसिल की गई हैं, 13 से 22 तक, और मेनली सारी गाड़ियां कैंसिल होंगी 17 से। तो इसमें मेन आपके लक्सर के बाद के एथल, पथरी और एक्कड़, ये तीन स्टेशन तक डबल लाइन होने हैं। मुख्यतः मैंने आपको जैसा बताया 70-80% गाड़ियां कैंसिल रहेंगी, जिसमें सभी गाड़ियां हैं, जैसे दून एक्सप्रेस हो गई, 4114 हो गई, नैनी शताब्दी हो गई, योगा हो गई, बीकानेर हो गई, अजमेर हो गई, ये सब गाड़ियां और इसी तरह की जितनी गाड़ियां सभी कैंसिल रहेंगी। यात्रियों के लिए तो बस व्यवस्था यही है कि बीच से जहाँ से टर्मिनेट की गई गाड़ियों को, कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, वहाँ तक वो जैसे अपने साधन से जा सकते हैं, उसके बाद वहाँ से उन्हें सेम बर्थ और सेम उस पर जो है आगे की वो यात्रा कर सकते हैं। 14 तारीख का ट्रेन है जाने का, लेकिन यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं दे रहा कि ट्रेन रद्द है कि नहीं है, कौन तारीख को जाएंगे। यही यहाँ आपका गाड़ी का दे दिया डाउन गाड़ी, यहाँ से जो छूटेगा उसका कोई अता पता ही नहीं है क्या। वो तो बोल देना चाहिए ना, लिस्ट टांग देना चाहिए, तब ना आदमी जानेगा। यही दिक्कत है, ऐसे तो अभी हम लोग के रुके हैं, हम लोग का अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कल गाड़ी कब छूटेगी नहीं छूटेगी ये तो पता नहीं चल रहा। निकलने का टाइम हो गया, लेकिन ट्रेन जो रिशेड्यूल हो चुका है यहाँ आके पता चला, तो अभी लिंक ट्रेन जो है हमारे दिल्ली से, वो अगर ना मिले तो इतना प्रॉब्लम होगा कि हम लोग लौटने का रास्ता ही प्राय बंद हो जाएगा। नहीं तो जैसे हमारे जैसे आदमी को अगर इसी वक्त फ्लाइट में कटना पड़ा तो बहुत पैसा जाएगा। अभी फैमिली है साथ में, बच्चे हैं, उन लोगों को लेके क्या करना है यही सोच रहे हैं। ये गाड़ी तो हमारा गाड़ी 3 घंटा रिशेड्यूल हो गया, लेकिन दून एक्सप्रेस जो है वो तो गाजियाबाद तक शायद आ रहा है या गाजियाबाद दही रद्द कर दिया है, हरिद्वार से आ नहीं रहा है हरिद्वार तक।